सिडनी इल्मा आमीन। जो टॉपिक चल रहा है मेरा जीना मेरा मरना, इसमें कंटिन्यू है ईमान वालों की रूहें और आसमान पर इस्तकबाल करना। तो अब किस तरह ईमान वालों को जो रूहें हैं, जो सोल है, किस तरह उसको वेलकम किया जाता है। ईमान वालों की रूहें आसमान पर इस्तकबाल, आयत यहाँ पर बताई जा रही है सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 44 है। जिस रोज़ अहले ईमान अल्लाह से मिलेगी, इनका इस्तकबाल सलाम के साथ होगा। तब यहाँ पर क्या है, जो ईमान वाले हैं उनका कैसा वेलकम किया जा रहा है, सलाम के साथ। तहियतुहुम यौमा यलकौनहु सलाम वअद्दलहुम अजरन करीमा। और ये क्या है, इनके लिए अल्लाह सुभान अल्लाह ताला ने बाइज्जत अजर तैयार कर रखा है। तो ये क्या है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द ईमान वाले। तो यहाँ पर उनको वेलकम किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर ईमान। तो कहा जा रहा है कि तुम वेलकम है, एक तो सलाम भी एंड ऑल्सो अद, मतलब इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर देम। अब कोई चीज़ उनके लिए प्रिपेयर करे, क्या है, अजरन करीमा। और करमा क्या है, अंगूर की बेल को बोलते हैं। और यहाँ पर एंड ऑल्सो दिस इज़ लाइक अ ऑनर फॉर देम। और हदीस आती है, सैयद अबू हुरेरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की वफात का वक्त करीब आता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशम का कफन लेकर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब मोमिन की वफात हो रही उसके बारे में मेंशन किया जा रहा, तो इन लोग क्या है, सफ़ेद। तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक यू नो, जब भी सफ़ेद हम रंग देखते कितना पसंद करते। तो आप सोचिए कि यहाँ पर बताया जा रहा कि मोमिन की वफात हुई तो रहमत के फरिश्ते आ रहे और सफ़ेद रेशम का कफन लेकर आ रहे और कहते हैं, ए रूह अल्लाह की रहमत, जन्नत की खुशबुएं और अपनी खुश होने वाले रब की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो यू नो, अब देखिए दुनिया में तो एक मरहला चल रहा और तैयारी हो रही। अब सोचिए कोई इंसान जब डेथ हो जाती वो इंसान की, तो सारे लोग हसल एंड बसल परेशान रहते, रोते रहते और गुसल देने की तैयारी होती। लेकिन यहाँ पर फरिश्ते उनके लिए एक ऑनर वाइट कफन, रेशम का कफन लेके आ रहे हैं। एंड और अल्लाह की रहमत है, तो अल्लाह की मर्सी है ना, रहमत बोले तो। और खुशबू, और कितनी उम्दा किस्म की खुशबू है। और फिर उनको कहा जा रहा है कि चलो, और जिस जिस्म से निकलने की तो अपने रब से राज़ी, तेरे रब तुझसे राज़ी। तो यहाँ पर बताया जा रहा कि अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला तुमसे राज़ी है और तुम भी अल्लाह से राज़ी है। दिस इज़ लाइक यू नो, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाना कितनी बड़ी बात है। हम तो दुआ करते ना, बैक करते अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप हमसे राज़ी खुश हो जाओ और हम ऐसे आमाल करें जिसमें आप हमसे मतलब इस हाल में जाए कि हम मोमिन हो। मोमिन आदमी की रूह जब जिस्म से निकलती है तो इससे बेहतरीन, जैसा जैसा मशकीजा जो रहता ना, जैसा एक वाटर से जिसमें रखते ना, एक वाटर जिसमें रखते, वो एक लेदर स्किन का बने हुआ रहता, उसके अंदर से जैसा आहिस्ता से कैसे पानी निकलता ना, खतरा भाई खतरा। तो सेम वे व्हेन यू नो, जब सोल लेने आ रही फरिश्ते तो उनका ऐसा आहिस्ता से निकल जा रहा, यहाँ तक के फरिश्ते एक दूसरे से लेकर इसे खुशबू से लेके जाते। मतलब यू नो, अब ये फरिश्ते इतने सारे आए और उनको खुशबू के साथ, ऑनर के साथ लेके जा रहे हैं। और जब आसमान के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो आसमान के फरिश्ते आपस में कहते हैं कि ये कैसी उम्दा खुशबू आ रही है। तो अब ये क्या है, अब जो स्काई लेवल है ना, ये बहुत लॉन्गर डिटेल में समझाया गया है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। तो अब यहाँ पर ना उम्दा किस्म की खुशबू है।
अब आप कभी भी ना अतर की जब दुकान को जाते हैं, आप देखिए मोस्ट एक्सपेंसिव भी अतर आप मांगो ना, तो आप सोचिए उससे कोई कंपैरिजन नहीं है, इतना बियॉन्ड रहेगा वो। तो यहाँ पर जो ज़मीन में तुम्हारे पास आ रहा है फरिश्ते, इसलिए है कि ये आसमान पर पहुँचने वाले, दिस इज़ लाइक यू नो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रही, और ये जो आसमान में फरिश्ते हैं उन लोग एक दूसरे से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और इस आसमान के फरिश्ते भी इस तरह कहते हैं कि यहाँ तक कि वो इसे रूह को अहले ईमान की रूहों के जगह, कहाँ है अहले ईमान की रूहें, इल्लियीन में ले जाते हैं। जब वो रूह वहाँ पहुँचती है तो पहले से मौजूद रूहें उनके इंतज़ार में होती हैं। मतलब दिस इज़ लाइक यू नो अब एक यहाँ एक इंसान फोत हो गया, एंड यू नो लेके जा रहे उनकी रूह कौन, फरिश्ते लेवल्स पे, 7 लेवल्स है। तो वहाँ पर जो ऑलरेडी जो फोत हो गए ना उन लोग, ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर वो अपने लोगों से मिलते हैं तो, और सोचते हैं कि अच्छा ये इनकी रूह, इनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, तो इसने अच्छा फला का क्या हुआ, फला आदमी कहाँ पर है, दुनिया में किस हाल में था। फिर वो आपस में कहते हैं अच्छा इससे ज़रा छोड़ दो, आराम करने दो, ये दुनिया की मुसीबतें और जो तकालीफ उठा के मुब्तला हो गया था, लेट देम लाइक यू नो जो पर्सन जो आया है अभी, तो उसको बोलते हैं कि नहीं लेट इट बी, उनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करो। लेकिन जो जन्नत में है ना, आप समझो कि उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके जानने वाले हैं, तो दे नो दे आर इन द जन्नत, और उन्होंने बोल रहे हैं ये है फला फला है। फिर वो रूहे, फिर क्या है उसके बाद क्या होता, फिर फला के बारे में क्या हुआ बोल के पूछते, मतलब अब कोई और भी है जिसके बारे में पूछ रहे, अच्छा उसके बारे में जाने दो क्यों क्या हुआ, तो बोलते हाय अफसोस वो यहाँ पर नहीं है, तो जहन्नुम में ले ले गया ले जाया गया। तो यू नो अ पर्सन इज मिसिंग देयर, अब इनके जानने वालों में से ही है, और ये हाकिम और निसाई की रिवायत है, इट्स अ लॉन्गर रिवायत, लेकिन इसका जिस्ट क्या है कि 8 7 लेवल्स पे जाएंगे, ईच लेवल पे खुशबुओं के साथ, अच्छे नामों के साथ, ऑनर के साथ इनको लेकर जाया जाएगा, और फिर जब वहाँ पर सलाम के साथ इनको वेलकम किया जाएगा, और फिर वहाँ पर जो है तो वो जो रूहें हैं, ये इलियीन की बात हो रही, तो अच्छा फलां फलां जो ऑलरेडी जन्नत में है दे आर इन्फॉर्म्ड, ठीक है, बट दे हु आर नॉट इन द जन्नत, तो उनको बताया जा रहा कि नहीं फला तो दोजख में चले गए। अब मुनकिर और नकिर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर में मैयत से सवालात करने वाले फरिश्तों के बाबत फरमाया कि इनका रंग सिया और आंखें नीले रंग की होंगी। तो अब ये तिर्मिजी की रिवायत है, क्या सिया मतलब जो डार्क ब्लैक रहता है ना, जैसा चारकोल का कैसा कलर रहता, तो वैसा उसको बोल रहे हैं, और नीली आंखें ब्लूइश, और सवालात के वक्त मैयत का अखल का लौटना। देखिए ये सिमिलर चैप्टर्स ऑलरेडी हम जो खबर का 3 सवाल थे ना उसमें कर चुके, बट हियर इट इज़ मेंशन स्टेप बाय स्टेप, डिटेल में मेंशन किया गया है, वहां पर क्या था अलग अलग स्टेप्स में मेंशन किया गया था। सैयदना उमर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खबर में आजमाए जाना और मुनकिर नकीर के सवाल व जवाब के बारे में आगाह फरमाया था, मतलब ऑलरेडी इसके बारे में अलर्ट किया गया था। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस वक्त मुझे मेरी अक़ल लौटाई जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। मैंने अर्ज किया फिर मैं दोनों फरिश्ते मुनकिर और नकिर के लिए काफ़ी होऊंगा, वो अल्लाह अगर इन फरिश्तों ने मुझसे पूछा तुम्हारा रब कौन है तो मैं जवाब दूंगा मेरा रब तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला, बता दूंगा दोनों का रब कौन है। ये बहकी रिवायत है। फिर और एक एक हदीस में आता जो आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो एक कमज़ोर औरत हूँ, खबर में मेरा क्या हाल होगा। तो शी वॉज सेइंग यू नो अगर फीमेल है, अब जैसा फीमेल इन दैट सेंस यू नो के कंपेयर टू द फिजिक यू नो हो सकता, बस फीमेल भी बहुत अच्छे ज़्यादा उनका फिजिक है, लेकिन एक जो हमारी यहाँ पर नॉर्मल बात हो रही, तो क्या होगा
तो वो कलमाए तौहीद पर इसकी इस पर ज़बानी व अमली हो गई। तो इस पर वो साबित का मतलब बता रहे हैं कि अगर अ पर्सन है वो उसका ज़बान क्या है, कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उस पे साबित कदम भी रहना हर मोमिन। अब उसके लिए क्या रहेगा कि ये कामयाबी कैसे रहेंगी कि अगर उसकी ज़िंदगी इसी तरह गुजरी तो बोलते कि सवालात और जवाबात उसके करेक्ट होंगे और यही उसकी कामयाबी होंगी। ईमान वालों से खबर में फरिश्तों के सवालात। कुरान पाक में अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरतुल इब्राहिम की आयत नंबर 27 है, ईमान वालों को अल्लाह ताला पाकी बात के साथ मजबूत रखता है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, क्योंकि युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीन आमनु बिलकौलिन साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। तो अब जब आप साबित कदम रखते ना, मतलब यहाँ पर फर्म डिटर्मिनेशन पर ही डिपेंड करता, बिकॉज युसब्बितुल्लाह क्या है, अल्लज़ीना आमनु ईमान के साथ साबित कदम रहे बिल कौल जो बात है, और फिर फिल हयाती दुनिया ये ज़िंदगी जो है दुनिया में जब साबित कदम रहे, जस्ट साबित कदम रहना नहीं है, विद ईमान, दैट इज़ द की थिंग, ईमान के साथ, और आखिरत आखिरत में भी। तो दे विल बी फर्म, दुनिया में जो करेंगे वो आखिरत में क्या होगा, उसका एक माने में इमेज है उसका, यहाँ पर जो करके आ रहे हैं वहाँ पर वही मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत दफन करने से फारिग होकर फरमाते हैं, अपने भाई के लिए बख्शीश और सवाल व जवाब में साबित कदम रहने के लिए दुआ मांगो, क्योंकि अब इससे सवाल किया जा रहा है। ये अबू दाऊद की रिवायत है। तो जब भी कोई पर्सन डेथ हो जाती, कोई आदमी हो या औरत है, उसके लिए क्या करना है, हदीस है इसमें अबू दाऊद की कि हम उसके लिए दुआ करना है ताकि उनके लिए जो सवाल जवाब है अगर वो आंसर करेक्टली करेंगे तभी वो राइट साइड टर्न हो सकते और खबर कुशादा होंगी और नूर से भर जाएंगी और अजाब नहीं होगा। तो यहाँ पर तो कौले साबित क्या है, जो पाकी और सही बात क्या है यहाँ पर, के दीन सही दीन पे चलना। तो रब्बी अल्लाहु क्या है, व दीन अल इस्लामु व नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़रातुल किताब अल्लाही फ़आमनतु बिही व सद्दक़्तु। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं अल्लाह की किताब पढ़कर ईमान लाया और मैंने तस्दीक की। ये बुखारी की रिवायत है। सो ये सारी इतने से उसमें ये बुखारी की रिवायत में मेंशन किया गया है कि इसी पे आपकी ज़िंदगी है और दुरुस्त जवाब की कामयाबी पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गवाही, दुनिया वालों की कामयाबी इंसान पर, और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आखिरत में कामयाब, बट मीन्स हियर इट इज़ मेंशन लाइक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को कन्वे कर दी। अब हम कुरान में और हदीस में जो सुन चुके उस पे अमल करना है, तो उसके बाद ही हमारा क्या होगा, खीलद कुलुल जन्ना होगा। और जब इससे कहा गया कि जन्नत में चला जा, कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्शीश दी और मुझे बाइज्जत लोगों में कर दिया। तो अब यहाँ पर सूरतुल यासीन, हम सब जानते ना रजुल मोमिन क्या, वो पूरा सूरे यासीन का एक हाईलाइट है। ही वॉज अ पर्सन, दो मैसेंजर्स भेजे गए थे, दे डिड नॉट बिलीव, अ पर्सन फ्रॉम द सेम ट्राइब ही बिलीव, रजुल मोमिन, और वो कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ, तो उसको क्या करे, किल कर देते क्योंकि ही वॉज अ बिलीवर। तो उस वजह से उसकी डेथ हो जाती है और उसको जन्नत में डालते हैं। बट यू नो द पीपल हु डोंट बिलीव इट दे विल बी इन द हेल फायर। तो यहाँ पर खीलत कुलुल जन्ना उसका ये क्लाइमेक्स है कि उसको जन्नत में डाल दिए, लेकिन जो लोग जिसकी जो कौम इन
इनको एक पनिशमेंट दिए, स्टिल ही वॉज कनेक्टेड टू दैट होम आफ्टर डेथ ऑल्सो, ही वॉज सो कंसर्न अबाउट देम। तो जिसे इसे कहा जाता है कि जन्नत में चला जा, कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म होता। यू अंडरस्टैंड नाउ, क्योंकि जब ये पर्सन की डेथ हो गई, इसको जन्नत मिल गई, तो ये नहीं है कि चलो मुझे तो जन्नत मिल गई, मुझे कोई कंसर्न नहीं है दूसरे पीपल से। नहीं, ही वॉज कंसर्न, ही वॉज सेंगे या लईता, मतलब कलिमाए हसरत है। ही वॉज डूइंग द हसरत हाउ मी, मेरी कौम या लमुना, काश वो जान लेते। और बोल रहे कि उनको और उनको बख्शीश और इज्जत के उसमें शामिल करते। एक इंसान जो हरीस होना चाहिए ना दीन की बात, अल्लाह की बात पहुंचाने के लिए, सो वी हैव टू कनेक्ट द पीपल विद अल्लाह एंड रसूल। हम अपने आप से कनेक्ट नहीं करना चाहते ना, हम तो कुछ भी नहीं है। आज कोई भी पर्सन ए जिंदा रहता, बी जिंदा रहता, सी रहता, कल ये ए बी सी कोई और हो सकते, राइट? सो द पर्सन कैन चेंज, लेकिन द वर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का कलाम चेंज हो सकता क्या? नहीं हो सकता। हदीसें चेंज हो सकते? नहीं हो सकते। ये जो कलिमे तौहीद है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि असल बात क्या है, सही बात पहुँचा दो। जैसे रजुल मोमिन है, क्या वो पर्सन की नेम है? नहीं मेंशन किया गया। तो हमारा काम क्या है? अल्लाह से रसूल से कनेक्ट करना है। हम कोई भी पर्सन हो सकते, कोई भी पीपल हो सकते, मेल या फीमेल, ओल्ड यंग, कोई भी हो सकते, लेकिन कनेक्शन विद अल्लाह सुभान अल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग करना है। या ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि अच्छा इसका राउटर अच्छा नहीं है, उसका राउटर अच्छा है, इसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है उतनी नहीं। ये इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है, ये स्पीड हर उसमें काम करती, लेकिन उसका क्या है होना चाहिए? कलिमाए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होना चाहिए। तो हर उसमें काम करता, डजेंट मैटर आईपैड पे रन कर रहे, एंड्रॉयड पे है, आईफोन है, डजेंट मैटर व्हाट इट इज, राइट? हम ये दुनियावी एस्पेक्ट से बात करते ना इस तरह से, व्हाई आई एम सेइंग दिस, सर्टेन थिंग्स हम समझते बियॉन्ड द टेक्नोलॉजी। आजकल हम कुछ और सोचते ही नहीं। तो इफ आई टॉक इन दैट मैनर, वी कुड अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर, इजंट इट? तो अब क्या है कि जो कलीमाए तौहीद की बात हो रही वो इम्पोर्टेंट है, बट पूरी लाइफ इसमें लगा देना पड़ता। जो हम लेसन कर रहे थे जो कुरान के बारे में, कुरान की जो अहमियत है उसकी बात, जो कुरान मजीद और उसके फजाइल और आदाब, तो कुरान के हुकूक, कुरान के हुकूक में हम फाइव देखे थे, फाइव हुकूक देखे थे। पहला क्या था? हक़ तिलावत, तिलावत किस तरह होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड ईयर्स एंड ईयर्स ऑन तिलावत, क्योंकि ये किताब की तिलावत सही आनी चाहिए। फिर हक़ुल हिफ्ज़, हिफ्ज़ करना, मेमोराइजेशन जो बोलते, और हक़ुल तदब्बुर। तो थर्ड वाला जो था वहाँ से हमको कंटिन्यू करना था, और उसके बाद हक़ुल अमल, हक़ुल तबलीग है। और ये पेज नंबर 25 पे थे हम। फिर आगे जो पेज हम कंटिन्यू करेंगे तदब्बुर से, तो हक़ुल तदब्बुर क्या है? फहम हासिल करना है। कुरान का नुजूल का मकसद क्या है? किताबुन अनजलनाहु इलैका मुबारकन लियदब्बरु आयातिही वलियतज़क्करा उलिल अल्बाब। जो किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है, यहाँ पर किसके तरफ नाजिल की है? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, का की ज़मीर जो है। और ये क्या है किताब? बाबरकत किताब है, ताकि लोग इसकी आयतों में गौर व फिक्र करें और अहले अखल से सबक हासिल करे। तो यहाँ पर क्या है? उलुल अलबाब लुब से है, जो हमारे ब्रेन है ना उसको भी लुब बोलते हैं। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड, जब हम कुरान पे तदब्बुर करते समझते, तो उस पे आप पॉन्डर करते। और फिर यहाँ पर बताया जा रहा है, बसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कुरान इसलिए नाजिल किया गया ताकि इस पर गौर व फिक्र किया जाए और इस पर अमल किया जाए, लेकिन लोग इनसे तिलावत ही करते हैं, अमल नहीं करते। दिस इज़ लाइक जनरल नहीं बात बात की जा रही है, लेकिन सम ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, ओके? नुज़ूले कुरान के मकसद महज तिलावत करना नहीं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है
कि कुरान इसीलिए नहीं नाजिल हुई जस्ट फॉर द तिलावा। अब उम्मत क्या है, अच्छे से तिलावत करने पे है, बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ द स्टेप वन। तो क्या हम पूरी ज़िंदगी स्टेप वन पे रहेंगे, स्टेप टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे नहीं जाएंगे? ये फाइव स्टेप्स है जो अभी हम स्टार्टिंग में देखे। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते, जहाँ तक कुरान में गौर व फिक्र करने का सवाल है तो इससे मुराद दिल की निगाहों को इससे मायने के ऊपर खूब गौर व फिक्र करना है। लाइक यू नो व्हाट डू यू मीन बाय दिल की निगाहें? जब हम आँखों से पढ़ रहे हैं, दिस इज़ लाइक आँखों से पढ़ना, लेकिन दिल से क्या है, आप उसको तदब्बुर करना, उसको समझना, और अपनी तमाम फिक्र ये होनी चाहिए कि कुरान का जो नुजूल हुआ और उसका मकसद क्या है, उसका फहम क्या है, और उसका जो अब आयत है, ये आयत अब पर्टिकुलर बैकग्राउंड में नाजिल होती तो फिर हम क्या करते, उसका शान नुजूल देखते और आगे पीछे की भी आयतें देखते। देखते ना कुरान की तफसीर में, आप सब जानते माशाल्लाह, सब कुरान की तफसीर से वाकिफ है, तो किस तरह होता है वो सारे बताया जा रहा है। सूरतुल मोमिन में फरमाया जाता है, अल्लाह ताला कुरान में तदब्बुर का हुक्म देते हैं, कहते हैं कि अफलम यदब्बरून अल-क़ौल अम जाअहुम मा लम याति आबाउहुमुल अव्वलीन, सूरतुल मोमिन आयत नंबर 68। तो क्या इन्होंने ये बात में खूब गौर नहीं किया, या इनके पास वो चीज़ आई है जो इनके पहले बाप दादा के पास नहीं आई थी? क्या नहीं आई थी? कुरान मजीद की बात हो रही। और क्या है, अगर तदब्बुर नहीं करेंगे तो क्या है, मजम्मत होंगी। अफला यदब्बरून अल-क़ुरान अम अला कुलूबिन अफ़क़ालुहा, अफ़क़ालुहा कुफल से है, मतलब अगर तुम तदब्बुर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हार्ट पे, कुलूब कल्ब की जमा है, दिल पे क्या होगा, लॉक पड़ जाएगा। तो क्या वो कुरान में गौर नहीं करते, या इनके दिलों पर खुफल पड़ा हुआ है? जब हम गौर नहीं करते तो क्या होता, दिल पे एक लॉक पड़ जाता, जैम हो जाता दिल। अब दिल में कोई चीज़ भी, जब दिल साफ ना रहता, देखिए फिजिकली भी जस्ट इमेजिन करिए कि अगर फिज़िकली भी आप ये वो चीज़ें खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा, तो क्या होता, आपको हार्ट डिजीज़ होता। तो वैसे ही आप दिल को सफाई नहीं कर रहे, और दिल की सफाई, प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट के लिए बेस्ट चीज़ क्या है, कुरान मजीद है। कुरान मजीद क्या करता है, पूरे एलिमेंट्स जो भी आपके डिजीज़ है, क्योंकि शिफा है ना कुरान, पूरा का पूरा कुरान शिफा है। तो अगर कुरान नहीं पढ़े, और स्टेप वन ही नहीं आ रहा, पढ़ने ही नहीं आ रहा, तो पढ़ेंगे कैसा, समझेंगे कैसा, अमल कैसा करेंगे, राइट? लेकिन नहीं, कभी भी नेवर टू लेट है, कभी ये नहीं सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता। वो जो नेगेटिविटी रहती ना, वो नहीं से जो बात शुरू होती ना, फिर वो नहीं होती। सोचना कि मैं कर सकती हूँ, नहीं डोंट बोल के नहीं बोलना, आई कैन डू इट समझना, आई कैनॉट डू इट बोल के ऐसा नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो यहाँ पर कुरान में गौर व फिक्र करने से क्या होगा, आपके दिल पे लॉक नहीं पड़ेगा। तो अब आप दिल क्या करें, कुरान पढ़ रहे, दिल साफ हो रहा आपका। अब कुरान में जब बार बार बातें आते ना कि फर्गिव कर दो, ओवरलुक करो, और माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, तो व्हाट यू फील, आप सोचते कि मैं इतना कुरान पढ़ी हूँ और बार बार अल्लाह ताला का हुक्म है, तो मैं क्यों फर्गीव और फर्गेट नहीं कर रही हूँ? अच्छा, फर्गेट नहीं करते बाज़ अक़त, फर्गीव कर देते, तो ठीक है, फर्गीव तो कर दिए ना, तो उससे क्या होता, आपका क्लीन हो जाता आपका हार्ट। तो ये क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। और प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट, जब हार्ट क्लीन हो गया तो क्या हुआ, ये जो भी बीमारियाँ थे ना दिल के, वो चले जा रहे। और कुरान पर तदब्बुर करने से क्या है, हिदायत मिलना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, हिदायत के लिए आपको कुरान पढ़ना और अल्लाह से दुआ करना। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, जब हम कहते हैं इतने फाइव टाइम्स, हम जब प्रेयर कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये हम सीधे रास्ते के अल्लाह से तलब कर रहे हैं। तलब के साथ यू नो यू शुड बी फर्म ऑन इट, ऐसा नहीं है सिर्फ तलब कर रहे हैं। अच्छा, और फिर ना सलफ़ सालिहीन क्या है,
कुरान पढ़ते और उस पे जम भी जाते। अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान बिन मुहैब कहते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन काब खरजी को कहते हुए सुना कि यकीनन मैं रात भी सिर्फ इज़ा ज़ुलज़िलतुल और मतलब ये सूरत पढ़ता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई, इन दोनों से ज़्यादा कुछ ना पढ़ा और इनको बार बार पढ़ता गया और इन में गौर व फिक्र करता गया, मुझे इससे ज़्यादा अजीज़ कुछ भी नहीं। मतलब द होल नाइट यू नो आप यही इसके ऊपर पढ़ते जा रहे थे और इस पर तदब्बुर कर रहे थे। तो सलफ़े सालिहीन क्या है, कुरान जो सिखाते थे उनका अंदाज़ अलग होता था। तो यहाँ पर अबू बकर बिन आयशा से रिवायत है कि वो कहती हैं कि मैंने आसिम बिन अबी से कुरान सुना, वो मुझे कहते थे कि मैं इनको रोज़ाना एक आयत पढ़कर सुनाता हूँ, इससे ज़्यादा पढ़कर नहीं सुनाता, और कहते थे कि ये चीज़ कुरान को आपकी सुनने में ज़्यादा मुहकम कर देती है। मतलब दिस इज़ लाइक यू नो एक आयत सुना रही और उसमें उन्होंने ज़्यादा गौर कर रहे हैं, इस बात से डरे और कहा कि मेरे कुरान इन मुकम्मल करने से पहले कि ये शेख फौत ना हो जाए, मैंने इनसे ज़्यादा दो आयतें सुनने की दरख्वास्त की। मतलब वो रिक्वेस्ट करे कि एटलीस्ट यू नो टू आयतें तो भी कर दो। तो इन्होंने मुझसे रोज़ाना पांच आयतें सिखाना पढ़ाना शुरू किया। और तो यहाँ पर बोलने का ये हदीस का मकसद ये है कि जब कुरान पढ़ रही और उस पे तदब्बुर करने के लिए, ऐसा कोई भी चीज़ जल्दी में नहीं हो सकती, इट विल टेक टाइम, तदब्बुर करने के लिए ईयर्स एंड ईयर्स लगते। और हक़ुल अमल क्या है, अमल करने के लिए कुरान की इत्तेबा करना और उसका जो हुक्म है, हुक्म क्या है, डूज़ है उसमें, डोंट्स है, वहाज़ा किताबुन अनज़लनाहु मुबारकन है, फ़त्तबीउहु फ़त्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमुन, सूरतुल अनाम की आयत नंबर 155 है। और ये किताब कुरान जो हमने नाजिल की है और बड़ी बाबरकत है, लिहाजा इसकी पैरवी करो और डरते रहो, शायद के तुम पर रहम किया जाए। हम सब पे रहम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये अमल के लिए आई कुरान, सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे कावर्स में डाल के रख दे रहे, नहीं। सैयदना इब्ने हाशिम बिन अमर कहते हैं कि मैंने सैयदना आयशा से सवाल करते हुए कहा, ए उम्मुल मोमिनीन मुझे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक के बारे में बताइए। इन्होंने कहा क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते, मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं, कहने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है, कुरान है। तो कुरान पे अमल करना है, सहाबा इकराम क्या करते थे, कुरान पे अमल करते थे। और सैयदना इब्ने मसूद से रिवायत है, वो कहते हैं कि हमसे हर शख्स जब 10 आयतें सीख लेता तो इससे आगे ना बढ़ता, यहाँ तक कि इनके मायनों को मालूम कर लेता और इस पर अमल करने लगता। तो मतलब देखिए, छोटा अमल हो, जामे अमल हो और अच्छा अमल हो, कंसिस्टेंसी कंटिन्यूसली करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ये कुरान जो आई है दिस इज़ फॉर द अमल, ये एक नॉर्मल किताब नहीं है। तो ये जो 5 चीज़ें मेंशन की गई थी, द लास्ट थिंग यहाँ पर जो मेंशन की जा रही है, अमल करना है। तो सहाबा इकराम सूरह बकरा क्यों ना हो, जब उमर ख़त्ताब कंप्लीट किए थे तो ज़बीहा किए थे, सैक्रिफाइस करे थे एनिमल को, क्यों, क्योंकि ही वाज़ हैप्पी कि ही कुड कंप्लीट सूरतुल बकरा। तो हम टाइम देना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। जज़ाकल्ला खैरन कसीरा, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।